महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, रत्नागिरी समेत कई इलाकों में बुधवार को तेज बारिश हो रही है। रत्नागिरी जिले में पानी के ओवरफ्लो की वजह से देर रात तिवरे बांध टूट गया। इससे पास बसे 7 गांव डूब गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई और 23 लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बांध के पास बने 12 घर पानी में बह गए। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वॉलंटियर्स के अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF बचाव और राहत कार्य में जुटी है। इनका कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। तिवरे बांध साल 2000 में बना था। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने 2 साल पहले जिला प्रशासन को इसमें पानी रिसने की जानकारी दी थी, लेकिन कोई मरम्मत नहीं हुई। उधर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में बुधवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई लगातार 6 दिन से बारिश हो रही। मुंबई में बारिश का सिलसिला बीते 6 दिनों से जारी है। मुंबई मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में भीषण बारिश ने 2005 की बाढ़ की यादें ताज़ा कर दी हैं। यहां सोमवार की रात 5 घंटे में करीब 15 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी हर घंटे औसतन 3 इंच बारिश हुई। यह अब तक की सबसे तेज बारिश है। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। 203 फ्लाइट रद्द और 55 डाइवर्ट की गई। 7 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। सरकार ने मंगलवार को मुंबई में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। बचाव कार्य में NDRF और नौसेना को भी तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में सोमवार और मंगलवार को 33 लोगों की मौत हो गई। इसमें मुंबई में 21, पुणे में 6 और कल्याण में 3, नासिक में 3 की जान गई। मुंबई के मलाड ईस्ट के पिंपरीपाड़ा में सोमवार देर रात 11:30 बजे दीवार गिरने से 21 की मौत हो गई और 75 जख्मी हो गए थे। देश, मानसून राजस्थान पहुंचा। 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मानसून ने मंगलवार दोपहर राजस्थान में दस्तक दे दी। पश्चिमी मप्र, विदर्भ, कोंकण, गोवा में बुधवार को भारी बारिश हो सकती है। 5 और 6 जुलाई को मप्र, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में बारिश के आसार हैं। मुंबई के ऊपर वेदर सिस्टम बनने से लगातार बारिश हो रही। मुंबई में मौसम विभाग की वैज्ञानिक शुभांगी भुते ने बताया, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मुंबई और उसके आसपास हवाओं का ईस्ट वेस्ट शेयर जोन गया है। इसे मिजो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम कहते हैं। आमतौर पर इसकी लाइफ 2 घंटे होती है। मुंबई में ऐसे 6 सिस्टम बनने से लगातार 6 दिन से भारी बारिश हो रही है। अभी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 5 जुलाई तक भारी बारिश होने के आसार हैं। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे इन क्षेत्रों में पहाड़ी और समुद्री इलाकों में न जाएं। स्काईमेट के मुताबिक मुंबई में भारी बारिश का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जुलाई में औसतन 84 सेमी बारिश होती है।